Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your class 8 English book that is Literary Journeys by Brainroot Publications. So children, how are you today? I hope you all are doing good. And today we will start a new chapter that is lesson number 9 and the title is The In Cape Rock. It's a beautiful poetry, a beautiful poem that gives a message that if somebody does something wrong, then consequences are to be faced by that person. अगर हम कभी किसी के लिए बुरा चाहेंगे या कुछ बुरा करेंगे तो हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलेगा. So let's get started. Like many of Southey's ballads, the In Cape Rock depicts a supernatural event, but its care theme is that those who commit wrongful acts will eventually face retribution, with poetic justice being served. So basically, the poet Southey's ballads, like other ballads where he gives lesson to people, he gives certain message to people, this poetry also tells us an important message that if somebody does something wrong or evil, then he has to face the retribution, he has to face the consequences. गलत काम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, हमारा पीछा ज़रूर करेंगे और हमें उसके लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी. How many of you have seen a ship? कभी आपने सी या शिप देखा है? कभी बोट या शिप से ट्रैवल किया है? आपको कैसी फीलिंग्स आई? How did you feel when you were traveling through a boat or ship or you were on a voyage on a sea? जब आप समुद्र पर चल रहे थे या तैर रहे थे शिप के अंदर बैठकर, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? आइए एक सुंदर सी कविता पढ़ेंगे जहाँ पर एक जो है जर्नी की बात हुई है, एक वॉयज की बात हुई है. कुछ लोग जर्नी पे निकले हैं और फिर अचानक से जो है शांत समुंदर में तूफान आ जाता है. व्हाट हैपन्स, लेट्स स्टडी. नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी. चिल्ड्रन, हेयर शी रेफर्स टू द शिप, ठीक है, शी हेयर्स रेफर्स टू द शिप. द पोएट हैज़ यूज्ड शी इन प्लेस ऑफ इट. यूजली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करने के लिए पोएट ने शिप को शी बोला है. सो हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर नील वॉज स्टेडी इन द ओशन. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेड दैट देयर वॉज नो मोशन इन द सी. समुंदर जो है बिल्कुल शांत था, शिप बहुत शांत था, कोई भी हवा नहीं चल रही थी, तेज़ आंधी तूफान का कोई नामो निशान नहीं था, सब कुछ एकदम शांत और पीसफुल था. विदाउट ईदर साइन ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इन केप रॉक. सो लिटिल डिड दे डोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इन केप बेल. नाउ जस्ट इन द मिडल ऑफ द सी देयर वॉज अ इन केप रॉक. द रॉक विच यूजली वॉज अ बिग ह्यूज रॉक एंड देयर वॉज अ बेल ऑन द इन केप रॉक. All right, a big bell. So whenever the waves would go high and touch the bell, it will start ringing. क्या होता है, कई बार icebergs या बड़े बड़े rocks होते हैं जो समुंदर के पास या बीचों बीच होते हैं, ठीक है. अब ये dangerous होते हैं क्योंकि कई बार समुंदर जब तूफान हो रहा हो समुद्र में या फिर अंधेरे में, ये rock या ये चट्टाने दिखाई नहीं देती हैं. तब इन पर या तो लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि रोशनी को देख के दूर से ही जो सेलर है या नेविगेटर है वो चौकन्ना हो जाए और अपना डायरेक्शन चेंज कर ले. ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अगर शिप जाकर इस रॉक या चट्टान से टकराएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है. तो इन केप रॉक भी एक माइटी रॉक था जिसके ऊपर एक बेल लगाया हुआ था, ठीक है. और ये बेल लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया गया था, क्यों? ताकि अगर कभी भी समुंदर में तूफान आए तो जो लहरें ऊपर ऊपर उठेंगी वो इनके बेल को जो है हिलाएंगी और चारों तरफ जो है साउंड गूंजने लगेगा बेल का और लोग जो है अलर्ट हो जाएंगे. क्लियर?
The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Incape Rock. अब ये बेल किसने लगाया था? ये बेल लगाया था the abbot of Aberbrothock. He was very good. He was a very very nice person and he wanted to save millions of lives. उन्हें पता था कि समुंदर में हजारों लोग यात्रा करते हैं और इनकेप रॉक से टकराएंगे, अगर कोई भी शिप टकरा जाएगा तो वो शिप जो है टुकड़ों में टूट जाएगा और बहुत सारे लोग जो है मर जाएंगे. तो लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने इनकेप रॉक पर एक बेल लगवाया था बड़ा सा. ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग. और क्या होता था, इस बेल की वजह से एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती थी कि जब भी ये सी वेव्स ऊंची ऊंची उठती थी तो वो जाकर उस बेल को हिट करती थी और बेल जो है बजने लगता था. बेल काफ़ी बड़ा था तो उसका साउंड काफ़ी देर दूर तक गूंजता और लोगों को दूर दूर से पता चल जाता कि अच्छा डेंजर सामने ही है, इसीलिए हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना, और वो अपना शिप का डायरेक्शन चेंज कर लेते थे. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell and they knew the perilous rock, the blessed, the abbot of the Aberbrothock. और जब कभी आंधी तूफान में लोगों को सामने दिखना बंद होता था, visibility was unclear, मतलब सामने जो है एक धुंध या पानी की लहरों की वजह से लोग अपना direction या रास्ता ठीक से नहीं ढूंढ पाते या अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते, तब जो है ये bell, जो वार्निंग बेल था उसकी आवाज़ सुन के लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि आगे रॉक है तो आगे नहीं जाना है, और वो एक्सीडेंट से बच जाते थे और साथ ही में एबॉट का धन्यवाद करते थे कि उन्होंने इतना अच्छा किया है, इतना ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया है कि कई लोगों की जान जो है एक्सीडेंट से बच गई है. The sun in the heaven shining gay, all the things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled around and there was joy in their song. So now, one fine morning, the weather was very pleasant. चारों तरफ वातावरण बहुत अच्छा था, चिड़िया जो है चहचहा रही थी, ठीक है, घर जो मतलब चारों तरफ जो है प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेर रही थी. Everything was very beautiful and birds and everything was singing joyfully. है ना, जो चिड़िया है वो खुशी खुशी गाना गा रही थी, बड़ा ही सुंदर सा और मन लुभा लेने वाला दृश्य था. The boy of the Incape ball was seen a darker speck on the green. Sir Ralph the rover walked his deck and fixed his eye on the darker speck. Now on the ship Sir Ralph the rover was coming. Now who is Sir Ralph? Sir Ralph the rover was a bad pirate, all right, and he actually did not like Abbott at all. लोग जब Abbott की तारीफ करते, Abbott को bless करते या उनको शुक्रिया अदा करते तो Sir Ralph उनको गुस्सा आता, उन्हें उनसे jealousy थी, है ना, Abbott से उनको जलन थी. और जब भी वो इनकेप रॉक के आसपास से गुजरते और वो बेल देखते तब उन्हें गुस्सा आता. जब भी किसी से वो सुनते कि एबॉट ने इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स टल जाते हैं, तो रोवर मन ही मन में और ज़्यादा गुस्सा आ जाता कि सब एबॉट की ही जय जयकार करते हैं, एक ना एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि एबॉट को कोई भी याद नहीं रखेगा. He felt the cheering power of the spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. So, rover was quite happy. He was smiling, he was enjoying the nature's beauty, he was enjoying the song by the birds who were singing. So, he was basically merrymaking. वो बहुत खुश था, मन ही मन उसे खुशी थी, ठीक है, लेकिन ये खुशी एक्चुअली काफ़ी किसी षड्यंत्र की वजह से थी, ठीक है, वो नॉर्मली खुश नहीं था, उसने मन ही मन एक ईवल प्लान डेवलप किया, एक षड्यंत्र रचा. हिज आई वॉज ऑन द इनकेप फ्लोट कोट ही माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इनकेप रॉक एंड आई प्लेग द एबॉट ऑफ एबॉट थॉक. सो
अब फाइनली उन्होंने अपने ईविल प्लान को एक्शन में बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा अपने लोगों से कि शिप में से एक छोटी सी बोट सस्पेंड करो, निकालो और मुझे इन केप रॉक तक लेके चलो। आज मैं एबॉट की सारे नाम को मिट्टी में मिटा दूंगा, कोई भी एबॉट को अब याद नहीं रखेगा। ले चलो मुझे इन केप रॉक तक। द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इन केप रॉक दे गो। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड कट द बेल फ्रॉम द इन केप फ्लोट। सो फाइनली जैसा उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया, सारे क्रू मेंबर्स, सारे लोगों ने एक नाव तैयार की, छोटी नाव में उनको लेके इनकेप रॉक की तरफ बढ़े। और जब सर राल्फ फाइनली इनकेप रॉक के पास पहुँचे, उन्होंने क्या किया, वो जो बेल लटक रही थी इनकेप रॉक से, जो वार्निंग बेल थी, उसको उन्होंने काट दिया। और वो मन ही मन खुश हो गए कि वाह, मैंने क्या काम किया है, आज के बाद एबॉट को कोई याद नहीं रखेगा। Down sank the bell with gurgling sound, the bubble rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Abbotthorpe. तो बेल जो है, जैसे ही रस्सी काटी गई, बेल नीचे गिर गया और एक अजीब सी आवाज आने लगी। धीरे धीरे बेल समुन्दर की गहराइयों में जाकर सैंक हो गया, यानी डूब गया। और ऐसा देख के सर राल्फ बहुत खुश हुए और उन्होंने काफी प्राउडली बोला, अगली बार अगर कोई इनकेप रॉक के आसपास आएगा तो उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिलेगी और कोई भी एबॉट की प्रशंसा नहीं करेगा। जब बेल ही नहीं रहेगा तो एबॉट को कोई याद भी क्यों रखेगा। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्काउट द सीज फॉर मेनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर ही स्टीयर्स हिज कोर्स टू स्कॉटलैंड शोर। अब सर राल्फ कई दिनों तक जो है आगे निकल गए और कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद, काफ़ी व्यापार ट्रेड करने के बाद, काफ़ी कुछ कमाने के बाद, ही इज़ नाउ गोइंग बैक टू द स्कॉटलैंड शोर। अब वो अपने रास्ते पर वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो थिक अ हेज स्प्रेड्स द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। सो नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हेन दे वर रिटर्निंग बैक टू द स्कॉटलैंड शोर, स्कॉटलैंड के तट पे जब वो वापस आ रहे हैं, एक दिन समुन्दर के बीचों बीच अचानक वेदर जो है चेंज होने लगता है। जो प्लेजेंट वेदर था वो अचानक चेंज होकर विंडी हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन एक मिस्टी स्मोक जो है चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही अनक्लियर हो जाती है। जो लोग शिप को चला रहे हैं वो ठीक से आगे देख नहीं पाते। On the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, "It will be lighter soon, for there is dawn of the rising moon." So immediately, Sir Ralph, अपने crew members, जब वो लोग बहुत tension में हैं, चिंता में हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कैसे बढ़ा जाए, किस direction में चलाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब सर राल्फ उन सबको शांत करते हैं ये कहकर कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी चांद निकल आएगा और चांद की रोशनी में हमें सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, नाउ वेयर आर वी कैन नॉट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इनकेप बेल। Now finally one of the crew members says, one of the person on the boat says, कि कुछ नहीं पता कि कहाँ पर हैं हम लोग, किस जगह जा रहे हैं, शोर के पास हैं या शोर से दूर हैं, यानी हम समुद्र के किनारे बढ़ रहे हैं या समुद्र से दूर हो रहे हैं, ये बता पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। काश काश वो इनके बेल को नहीं काटा होता, अगर वो इनके बेल आज होती तो हम उसकी आवाज़ सुन पाते और assumption कर पाते कि हम कहाँ पर हैं और कितनी दूरी पर हैं। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, थ्रू द विंड हैथ फॉलन, दे ड्रिफ्ट अलोंग टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इनकेप रॉक। अब धीरे धीरे फिर भी उसी धुंध में वो आगे बढ़ते रहते हैं, इसी आशा के साथ कि किसी तरह जो है वेदर कंडीशन चेंज हो जाएगा और उन्हें सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा और सब लोग आराम से समुंदर के किनारे पहुंच जाएंगे। बट टू देयर अमेजमेंट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता है जैसे शिप किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से टकराती है और सब लोग हिल जाते हैं
और इमीडिएटली वो जो लोग हैं वो बोलते हैं ओ नो, ये वही चट्टान है, इट इज़ द इनखेप रॉक, हमारी शिप जो है इनखेप रॉक से टकरा गई है। सर राग द रोवर टोर हिज हेयर, ही क्रस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, एंड इनखेप रॉक से टकराते ही जो है शिप कई जगहों से टूट जाती है, समुंदर का पानी शिप में भरने लगता है और शिप धीरे धीरे समुंदर के अंदर गहराइयों में डूबने लगता है। सर राल्फ जब ये चीज़ देखते हैं वो चिंता, दुख और ग्लानी से भर जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है कि क्यों उन्होंने जेलसी के कारण उस बेल को तोड़ा, आज अगर वो बेल होता तो फिर शायद उन लोगों की शिप के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. A sound as if with the incape bell, the devil below was ringing his knell. So even ऐसे fearful हालत में भी कोई और नहीं लेकिन सिर्फ सर राल्फ ने एक आवाज़ सुनी, जैसे मानो डूबते हुए वो इनखेप बेल की आवाज़ सुन पा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे उनको कोई सिंबॉलिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसा जो करता है उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तुमने कई लोगों को मारा है, तुम्हारी वजह से कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तुमने एबॉट के अच्छे कर्म को अपने दुष्कर्म से ढकने की कोशिश की जस्ट बिकॉज यू वर जेलस, तो आज तुम्हें भी शिकार होना पड़ेगा, तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ऑलराइट, सो अ ब्यूटिफुल पोएट्री बाय रॉबर्ट साउदी, द पोएम इज वेरी सिंपल विच एक्सप्लेन्स दैट वी शुड ऑलवेज बी काइंड टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, वी शुड बी ह्यूमन, वी शुड नॉट मेयरली डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग और जस्ट बिकॉज वी आर जेलस ऑफ समबडी। ऐसा हो ही सकता है कि शायद हम किसी को पसंद ना करते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जेलसी के मारे दूसरों को नुकसान करना चाहें। अगर हम किसी का नुकसान करेंगे तो एक ना एक दिन हमें भी नुकसान सहना पड़ेगा। ऑल राइट, ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मीन्स द वर्ड मीनिंग्स, लेट्स रीड द वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस इन द पोएम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। एबॉट मीन्स द हेड मॉन्क ऑफ अ मॉनेस्ट्री। Perilous means dangerous. Neil means timber or steel structure which the framework of the ship is built. Surge means the rise of the sea waves. Buoy means anchored float used to warn nearby hazards in water. Plague, something that causes trouble. Mirth, gladness accompanied with laughter. All right, when you are very happy from inside and then you start laughing. Gurgling, a hollow bubbling sound. Haze, a thin mist which decreases the visibility, जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते. Gale means storm, all right, samudri tufan. And speck means a very small spot. Okay children, so I hope you have understood the word meaning also. Now it's time to move towards the exercises. First is multiple choice questions. What does the word plague means? Cause pleasure, cause trouble, cause success, cause pain. So cause trouble. Next, how was the weather when Sir Ralph's ship was near the Scotland shore? Dark, foggy, stormy, cloudy, smoky and dark, bright, clear and fine, misty, cold and chilly. So dark, foggy and stormy. जब वो स्कॉटलैंड शोर की तरफ बढ़ रहे थे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था। While dying in fear, Sir Ralph could hear the sound similar to party drum, church bells, thunder, incape bell. Incape bell की आवाज़ वो सुन पा रहे थे। So fourth question, what does the poetry signify? Last line of the poem basically, what does it signify? End of his journey, death of Sir Ralph, a lesson taught to him, all the above. So last line is basically telling us all the above because in the last line it is clearly seen that Sir Ralph actually is dying and he could hear the incape bell as if it is a warning that whatever he done he has got his retribution. Fifth, which poetic device is used in word search? Well,
alliteration, surge and swell. Both are starting with S sound, so that is why this is alliteration, okay? The word gurgling is an example of onomatopoeia, metaphor, personification or simile. So basically gurgling is a example of personification, because gurgles is something we do when we are not well. Alright, so I hope that you have understood. Now we move to exercise number B, complete the sentences. The abbot placed a bell on the rock because he wanted the people to know about the dangers of in Cape Rock. He wanted to make the people aware about the dangers of in Cape Rock so that the people do not meet with accident. Second, the rover cursed himself when his ship hit then in Cape Rock. Jab uski apni ship bhi in Cape Rock se takra gayi. Third, the mariners thanked the abbot for placing the bell on in Cape Rock. Fourth, rover removed the bell because he was jealous of abbot and could not stand abbot's praises. Fifth, rover wished he could again place the in Cape bell, or he could survive somehow and come out of the stormy sea. Okay, so this was the poem. Now next exercise says, answer the following questions where reference to context is given. Certain lines are given from the poem. You have to read those lines and then answer the questions one by one. So let's do it. No still in the air, no still in the sea, the ship was still as she could be. Her sails from the heaven received the motion, her keel was steady in the ocean. Why was the ship still? The ship was still because there was no air blowing and the sea was also still. Alright, explain, her sails from the heaven received no motion. It seemed that no movement, or the air was not supporting the movement of the ship that time. What is keel? Why is it steady? Keel is the mast of the ship which is not moving. It only moves when air is blowing. Alright. Identify the literary device in the first line. No still in the air, no still in the sea. So we are having repetition over here. No still. These words are repeated. So this is repetition. Okay. Next. Second one. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell and then they knew perilous rock. The blessed the abbot of Abbotock. When was the rock hit? The rock was hit when there was storm, sea storm. Jab samudri tufan aata tha to tufan ki wajah se, fog ki wajah se jo rock hai wo bilkul chup jata tha. All right. What did the mariners do when they heard the bell? The mariners changed their direction as soon as they heard the bell because they could sense that they are near to the in Cape Rock. So they immediately changed the direction of their ship. Who was blessed by the sailors and why? Abbot of Abbotock was blessed by the sailors, and he was blessed because the mariners wanted to thank him for placing the in Cape bell. Because whenever the bell rang, the mariners were aware about the in Cape Rock and they avoided the accident. D. Identify the poetic device in the third and fourth line. And then they knew the perilous rock and best the abbot of Abbotock. Now see here, then they, this is repetition and alliteration. This is alliteration basically. Then they, this is alliteration, and abbot of Abbotock, again this is your alliteration. So here then and they, this is an example of alliteration. All right, then they, this is an example of alliteration, and this is an example of repetition. Clear? All right, the synonym of the dangerous in the given lines is, here basically we have to find the synonym of dangerous. All right,
surge, all right, or you can say perilous. All right, now E part. The synonym of the dangerous in the given line is, synonym means a word which means similar. Dangerous se milta julta shabd. So the synonym of dangerous is perilous. The In Cape Rock was dangerous because it was a huge rock, a very big size rock. Any ship or anything that would hit the rock will get damaged. All right, that is why perilous means dangerous. Okay, so I hope children you have noted down all the exercises in your notebook. Now we come to an end to today's session. So with this we end our today's class. Have a wonderful day ahead. I hope to meet you again soon with a new video. So stay tuned for the new videos. Bye bye and take care.